अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। व्यूअर्स, आपके पास जो भी डॉग हो या कैट हो, आप उसको किस तरीके से डिवॉर्म करेंगे वो हम आपको तरीका बताते हैं किससे करनी है। अमूमन कुछ लोग टैबलेट से करते हैं, कुछ लोग सिरप से करते हैं। सिरप से मुराद जेंटल है और टैबलेट्स में डोंटल प्लस है, पेफ्रॉन है। बेस्ट सिस्टम जिसे हम लोग करेंगे वो पेफ्रॉन है। मैंने और भी यूज़ की हैं लेकिन उसका इतना रिज़ल्ट नहीं आया जितना इसका आया है रिज़ल्ट, इसलिए इसी को मैं यूज़ करता हूँ डिवॉर्मिंग के लिए। डिवॉर्मिंग की दोस्तों बहुत सारी निशानी है, जिसमें जब आपका डॉग शिट करता है तो उसमें वॉर्म्स आने स्टार्ट हो जाते हैं या वोमिट में आने स्टार्ट हो जाते हैं। और दो तीन और भी निशानियां हैं जिसमें डिवॉर्मिंग की अलामत ज़ाहिर होने लग जाती हैं, जिसमें एक अलामत ये भी है कि आपके पेट की हेल्थ जोन सी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने लग जाती है और आपका जो पेट है वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है। चले व्यूवर्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इसको डिवॉर्म करना चाहिए और कौन सा तरीका है जिससे आसानी से ये डिवॉर्म हो जाए। सुजल, ओए सिम्बा। जी व्यूवर्स, इसको इस तरह से खिलानी है ताकि ये हजम कर जाए, ताकि ये बाहर भी ना निकाले और चबाए भी ना। ये देखें व्यूअर्स, ये इसकी निशानी है कि ये अंदर लेके जा चुकी है। और सेकंड जो टैबलेट है व्यूअर्स, दूसरी टैबलेट भी इसी तरह हलक में डालनी है ताकि वो अंदर लेके जा सके। अभी व्यूअर्स ये अंदर नहीं लेके गई है, ये शाबाश। ये डिवॉर्म मैंने अपने बीच को कर दिया है और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।